कुछ ज्यादा भी। काम के जोर में बुक देकर कुछ शादियां शुरू करके आज हरियाणा में मैं दाव के साथ कह सकता हूँ कि हजारों हजारों शादियां हमने कराई। लेकिन शादियों दम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम सशक्त इंसान बने, उन पर दो तीन बातों पर क्योंकि मुझे बहुत ही कम समय दिया गया है, लेकिन मैं कम समय में दो तीन बातें आपके बीच में कहना चाहूंगा। आपने एक्सपीरियंस के आधार पर साथियों आज आपने देखा होगा कि तमाम तरह के अस्त्र निकाले जा रहे हैं, तो मैं जरूर अनुरोध करूंगा सभी जो आज पंडाल के बीच में बैठे हुए हैं कि कितने लोग हैं जो श्राद्ध निकालते हैं, कोई भी हाथ खड़ा करके बताए कि वो श्राद्ध निकालता है। ये अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि आज यूपी के अंदर कोई भी श्राद्ध नहीं निकाल रहा। अगर हरियाणा में देखते 5 साल 7 साल पहले तो तमाम सारे लोग जो है श्राद्ध निकालते, इसलिए हम कह सकते हैं डॉक्टर साहब राजकुमार जी कि आज हमारे लोग जो है खुद की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर आपसे अनुरोध करूंगा कि आज इस दम को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ेगी। और आज वो प्रतिज्ञाएं ऐसी हैं कि जितने लोग हैं, क्या मुझे हाथ खड़ा करके ये आश्वासन देंगे कि जितने लोग आज इस पंडाल में आए हुए हैं वे अपने और अपने परिवार के लोगों की शादियां इन हमारे बहुत बिच्छुओं के हाथों से करवाएंगे। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? आगे से आप लोग जहां भी काम करते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा था कि रास्ते में चलो, आप लोग देश के बड़े भाई हैं, हर मामले में बड़े भाई और बड़े भाई का फर्ज होता है कि वो बड़ा भी काम करे। तो यहाँ पर कुल शहर में आज मैं चौथी बार जो यहाँ आया हूँ और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप लोग आज दूसरे राज्यों में भी जो ना काम करेंगे और दूसरे काम करने के लिए आज हम इस देश में जस्टिस कर्नल साहब जैसे जब इन्होंने बात उठाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों के विरुद्ध कोई बात कही, साथियों उस बात पर अमल करने की बजाय इनकी जो इनके ऊपर तानाशाही सहन करने का जो ने फरमान जारी कर दिया। लेकिन मैं साधुवाद करता हूँ आदरणीय जस्टिस साहब को कि उसने उस तानाशाही के ऊपर आपका हौसला बढ़ाने का काम किया था। साहब खड़े हुए और ये उम्मीद होती है कि हम जिस अन्याय के विरुद्ध अगर तब तक इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आप लोग जो ना आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपके यहाँ के आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जस्टिस साहब को बुलाकर इस प्रोग्राम में ये दिखा दिया कि जस्टिस साहब ने जब अपने समय में जस्टिस ऐसे जो जो काम किया वो सही किया, और वो सही किया जब अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे तभी हमें कुछ मिलेगा। साथ ही आज रिजर्वेशन या दूसरे तमाम शिक्षा के क्षेत्र में हमारे साथ अन्याय प्रश्न हो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आज जो हजारों लोग आए हैं ये हाथ करके प्राण प्रण करेंगे कि आने वाले समय में हम अपना सामान अपना खुद बनाएंगे, अपना सामान अपने लोगों की दुकानों से लेंगे। आज नौकरियां खत्म की जा रही है, आउटसोर्सिंग पॉलिसी की जा रही है, सारा निजीकरण किया जा रहा है, केवल हमारे एम्प्लॉयज लोग हैं वो रिजर्वेशन की लड़ाई तो जरूर लड़े, लेकिन केवल केवल रिजर्वेशन की लड़ाई ना लड़े, तमाम दूसरे जैसे आज के प्रोग्राम है इस प्रकार के प्रोग्राम में हमें सहयोग करना पड़ेगा। और ये जो सिंबॉलिक है, मैं धन्यवाद